आज हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिस फिल्म का डायलॉग था मेरे करण अर्जुन आएंगे। इस फिल्म का नाम ही करण अर्जुन था और यह फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था। उस वक्त यह फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। इस फिल्म की कमाई 50 करोड़ से भी ज्यादा हुई थी। बताया जाता है कि उस वक्त यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में ऐसी एक प्रेस राखी थी जिसे कभी नहीं भूला जा सकता है। उन्होंने इस फिल्म में सलमान और शाहरुख की माँ का किरदार निभाया था। राखी ही वो अदाकारा थी जिनकी वजह से डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे आज भी लोगों की जुबान पर पाया जाता है। आपको बता दें, तब की राखी और अब की राखी में काफी बदलाव आ चुके हैं। अब तो राखी को जल्दी पहचान पाना भी काफी मुश्किल हो गया है। पहले कहां उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के लोग दीवाने हुआ करते थे, वहीं आज इनकी ऐसी हालत हो गई है कि चेहरे पर उदासी आप साफ साफ देख सकते हैं और छोटे बाल भी जैसे कि किसी बीमारी से उभर कर आई हों। वो राखी को कई बार कई फिल्मों के लिए पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वे आखिरी बार साल 2009 में बॉलीवुड फिल्म क्लासमेट्स में नजर आई थीं। उसके बाद से उन्होंने कोई भी बॉलीवुड की फिल्म नहीं की है।